वेलकम टू सुप्रीम 60 ऑनलाइन क्लासेज। मैंने बेटा इनऑर्गेनिक का सेकंड चैप्टर हाइड्रोजनेट्स कंपाउंड स्टार्ट कर दिया है और उसमें जो है एक लेक्चर आपका हो चुका है। और पहले लेक्चर जो मैंने दिया उसमें हाइड्रोजन की प्रिपरेशन मैं करवा रहा था और वाटर से कितने वैरायटी हैं, 5 वैरायटीज से या 5 टाइप्स से जो हम वाटर से प्रिपरेशन कर सकते थे। तो 5 बेज जो थे मैंने बता दिया था। फर्स्ट था आपका जो है वेरी एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन कराया वाटर का, एंड सेकंड था वेरी एवरेज एक्टिव मेटल के साथ, थर्ड था बाइमेटल हाइड्राइड और फोर्थ था आपका बाई इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इन एसिडिक मीडियम, बाई इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इन बेसिक, लास्ट था। तो ये आपके मेथड्स थे, हमने बता दिए थे आपको। अब नेक्स्ट आते हैं हम सब एल्कली से, ठीक है, क्योंकि 4 मेथड्स हैं जिससे हम हाइड्रोजन प्रिपेयर कर सकते हैं, जिसमें पहला वाटर कंप्लीट हो गया है और सेकंड है बेटा फ्रॉम एल्कली और बेस। ठीक है, एल्कली और बेस एक ही होते हैं, अलग अलग नहीं होते, इनसे हम बनाएंगे क्या हाइड्रोजन। आइए, एम्फोटेरिक मेटल एल्कली बेस जो है NaOH, इसकी रिएक्शन जब आप कराएंगे एम्फोटेरिक मेटल से तो आपको मिलेगा हाइड्रोजन गैस। ये बेटा मैंने पहले डिस्कस किया था आपको। देखिए एम्फोटेरिक इसमें एल्कली बेस से बनाने का जो मेथड है वो है एम्फोटेरिक मेटल की रिएक्शन आप एल्कली से बेस से करा दीजिए, आपको हाइड्रोजन मिलेगा, साथ में मेटलेट मिलेगा। मेटलेट का मतलब है मेटल से मेटलेट, उसमें ATE जुड़ा होगा, जैसे अगर लेड होगा तो प्लम्बेट, समझ रहे हैं आप। तो ये इस तरीके से आपको मिलता है, जिंक है तो जिंकेट। तो जितने भी एम्फोटेरिक, अच्छा एम्फोटेरिक मेटल कौन कौन से होते हैं ये मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट वाले चैप्टर में, पहले चैप्टर में ही बता दिया था कि कितने एम्फोटेरिक हैं। क्या याद है आपको? याद है तो आप बताइए, लिखिए कॉपी में, अपने आप लिख डालिए, समझ रहे हैं आप। नीचे एम्फोटेरिक काम में लिखना है, कितने एलिमेंट्स थे, मेटलॉयड, कितने गैसेज हैं, कितने एम्फोटेरिक हैं, कितने लिक्विड है रूम टेम्परेचर, ये सब आपको अलग से मैंने नोट करके बताया है। लिखिए आप खटाखट अपना लिख लीजिए। टोटल 9 एलिमेंट्स हैं जो एम्फोटेरिक हैं, ठीक है। तो 9 एलिमेंट कौन कौन से, मैंने एक फार्मूला इसका बनाया हुआ है, ये पब में फार्मूला क्या था, पब में बी आल ज्वाइन सबसे आसान सी बोतल, ठीक है, याद आया आपको कुछ? तो कुछ हमें करना नहीं है, सबका लिख दिया, ये एम्फोटेरिक मेटल है, इनकी रिएक्शन इससे करा दो आपको मिल जाएगा हाइड्रोजन के साथ मेटलेट मिलेगा, ये ध्यान रखना है। एक दो रिएक्शन करा के हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये है सोडियम बेरीलेट, ठीक है, इसका नाम है सोडियम बेरीलेट। यहाँ पे ट्वाइस NaOH कर दीजिए, बैलेंस भी हो जाएगा बेटा। ये हो गया सोडियम जिंकेट, ठीक है, सोडियम तो आप जान ही रहे, जिंकेट मैं लिख दे रहा हूँ, जिंक से करा लिया, बेरीलियम से करा लिया, और करा लेता हूँ एल्युमिनियम से, 3 मोल NaOH ले लीजिए, 3/2H2 हो जाएगा, और एल्युमिनेट, ये है आपका बेटा सोडियम एल्युमिनेट, ठीक है। एक बात इसमें ध्यान रखनी है बेटा कि जो है ये तो सारे आपके मेटलेट बन रहे हैं, हाइड्रोजन निकल रहा है, ठीक है, लेकिन अगर एल्युमिनियम का एक रिएक्शन और है इसमें, क्या है जरा देखिए। देखिए बेटा, अगर आपने वाटर नहीं लिया था NaOH के साथ तो एल्युमिनियम NaOH की रिएक्शन हुई, वो लिखी हुई है, देख रहे हो आप, उसमें कोई चेंज नहीं है। लेकिन अगर एल्युमिनियम NaOH के साथ में वाटर ला दिया आपने तो फिर प्रॉब्लम है, तो हाइड्रोजन तो बनेगा ही लेकिन साथ में एल्युमिनेट नहीं, मेटा एल्युमिनेट निकलता है, उसका फार्मूला है NaAlO2, ठीक है। और ये पानी हमने याद किया कैसे, कि जब जब पानी होता है तब तब मीठा होता है, मेटा को मीठा समझ लिया है, समझ रहे हैं आप, पानी मीठा होता ही है, तो जब पानी आएगा तो मीठा यानी मेटा एल्युमिनेट बनेगा, ठीक, इस तरीके से समझ के मैंने इसको याद रखा है। तो ये कुछ रिएक्शंस हैं जो मैंने आपको दिखाई हैं, सभी में हाइड्रोजन बनता है, बशर्ते आपको बेस या एल्कली मेटल के साथ जो भी रिएक्शन कराइए, एल्कली के साथ, एल्कली मेटल नहीं, वो सब एम्फोटेरिक होने चाहिए, अगर एम्फोटेरिक नहीं होंगे तो फिर हाइड्रोजन नहीं मिलेगी आपको। हाँ बेटा देखिए, अब मेटल और डायलूट एसिड, डायलूट एसिड का मतलब डायलूट एसिड, डायलूट एसिड कोई भी एसिड हो, मैंने 2 नाम लिख दिया है, तो मेटल और डायलूट एसिड की रिएक्शन होगी तो हाइड्रोजन गैस निकलता है प्लस मेटल साल्ट बनता है। लेकिन मेटल में कौन सा मेटल लेंगे, जो भी हाइड्रोजन से ऊपर हो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो भी हाइड्रोजन से नीचे होगा वो एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं करा सकता है। आपने ये पढ़ी होगी रिएक्शन 10th क्लास में भी है
कि जो भी डायलूट एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस वही मेटल करा सकता है जो हाइड्रोजन से ऊपर हो, हाइड्रोजन से नीचे वाले की औकात नहीं कि वो हाइड्रोजन एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करा पाए। ठीक है, तो औकात किसकी है, औकात किसकी है, तो औकात है नीचे नहीं ऊपर वालों की। ठीक, ये सारे नीचे वाले हैं, कुछ नीचे वाले कम हैं इसलिए मैंने नीचे वालों को लिख दिया है, ये सबको आप नहीं ले सकते बिकॉज ये बिलो हाइड्रोजन है इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ईसीएस में। ठीक है, आप इसके ऊपर जितने भी हैं उनमें किसी का भी करा दो, आप बना लो हाइड्रोजन। ठीक है बेटा, जिंक का H2SO4 से कराया है, हाइड्रोजन प्लस जिंक सल्फेट, आयरन का करा दिया डायलूट HCl से, हाइड्रोजन प्लस फेरिक क्लोराइड, ऐसे किसी का भी कराओ, बस हाइड्रोजन से ऊपर होना चाहिए। एक बात ध्यान रखना है कि वो एलिमेंट, वो मेटल हाइड्रोजन से ऊपर हो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। ठीक, तो ये हो गया आपका थर्ड मेथड फ्रॉम एसिड्स। इसमें कुछ और भी पॉइंट है, वो भी बताता हूँ मैं आपको। आइए बेटा, फ्रॉम एसिड में एक नोट पॉइंट भी है। एक क्वेश्चन ये आता है कि डायलूट ही क्यों लेते हैं, स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं ले सकते एसिड, डायलूट एसिड से हाइड्रोजन बनता है तो स्ट्रॉन्ग एसिड से भी तो हाइड्रोजन बन सकता है, क्या प्रॉब्लम होती है? तो प्रॉब्लम क्या है जरा देखिए आप, कंसनट्रेट H2SO4, कंसनट्रेट HNO3 का HClO4 आर नेवर यूज्ड इन एबव रिएक्शन बिकॉज दे आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सो इजली ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन इनटू वाटर। ठीक है, तो ये रीजन है, ये कारण, इसलिए हम स्ट्रॉन्ग नहीं लेते। स्ट्रॉन्ग एसिड होने के साथ साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है, दो चीजें हो गई स्ट्रॉन्ग में। डायलूट होता है वो केवल एसिड है, और हमें एसिड वाला ही प्रॉपर्टी दिखाना है या एसिड वाली चाहिए प्रॉपर्टी। एसिड डायलूट एसिड एसिड होता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड एसिड के साथ साथ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है, इसलिए बेटा कोई भी एसिड जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा यानी कंसनट्रेट वाला हम नहीं ले सकते, बिकॉज जब आप हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा तो ये हाइड्रोजन फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा वाटर में, तो आपको हाइड्रोजन ना मिलके वाटर मिलेगा और आपको बनाना है हाइड्रोजन, इसलिए हम सब डायलूट एसिड ही चूज करते हैं या यूज करते हैं। हाँ, एक्सेप्शन दो है, जैसे HNO3 नहीं यूज होता, लेकिन वेरी डायलूट HNO3 जैसे 2% तक जो कंसंट्रेशन होगी, वो दो मेटल्स हैं केवल, ओनली दिस कैपेबल, मैंने इसलिए ऑलरेडी लिख दिया है कि और किसी के साथ आप ना शो करें। कई बार एग्जाम में पूछा गया है मैग्नीशियम और मैग्नीज, ये दो मेटल HNO3 से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस देते हैं, मैग्नीशियम नाइट्रेट बना लेता है, मैग्नीज भी अपना नाइट्रेट बना लेता है, तो जो भी होगा, लेकिन बेरी डायलूट वाले के साथ यही दो मेटल हैं, इसके अलावा कोई ऐसे मेटल नहीं है जो बेरी डायलूट के साथ भी ऐसा कर पाए। ठीक है, तो इसलिए आपको अलग से इसको ध्यान रखना, नोट का ये पॉइंट था। ठीक, तो एसिड की सारी बातें कंप्लीट हो गई, एल्कली की बातें हो गई, वाटर की बातें हो गई, यानी जो हाइड्रोजन का प्रिपरेशन था उसमें तीन प्रिपरेशन एकदम कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट आ रहे हैं हम सब, फोर्थ है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। देखिए जरा, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन एक फार्मूला है, आई लव यू वाला सो फार्मूला चलता है, वो हम याद करते हैं। आई का मतलब होता है, देखिए आई लव मैंने लिखा है, लव की स्पेलिंग कुछ और है, ILUV, समझ रहे हैं आप, आई से इंडस्ट्रियल हो गया, एल से हो गया लेंस प्रोसेस, यू से यूनोज प्रोसेस और बी से बॉस प्रोसेस। ठीक है, तीन साइंटिस्ट के नेम पे होता है रिएक्शन, तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन कौन सी रिएक्शन है, इसलिए मैंने ये आई लव वाला आइडिया लगाया है या ऐसा सेट किया है, तो मुझे याद रहता है आई से इंडस्ट्रियल है और एल यू बी से लेन यूनोज और बोस प्रोसेस या बॉस प्रोसेस है। अब इसमें एक एक करके हम प्रोसेस को देखेंगे, पहला लेन प्रोसेस है। ठीक है, देखिए लेन प्रोसेस क्या है, लेन किसी व्यक्ति विशेष का नाम है, साइंटिस्ट का नाम है जिसने ये डिस्कवर किया, ये पहले भी आपको बता चुका हूँ, एवरेज एक्टिव मेटल में मैंने ये वाटर से रिएक्शन कराई हुई है, आप पीछे देख सकते हैं, समझ रहे हैं आप, वो एक्चुअली लेन्स प्रोसेस है, लेकिन पार्टिकुलर लेन प्रोसेस में आयरन ही मेटल होगा, ऐसा नहीं कोई अदर मेटल ले लीजिए, तो मेटल फिक्स है आयरन, रेड हॉट लेना होगा। वाटर को स्टीम के फॉर्म में लेना है, 5 से 750 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखना होगा, हाइड्रोजन बनेगी, Fe3O4 निकल जाएगा। ठीक है, मैंने इसको याद कैसे किया जरा देखिए, देखिए गर्म पानी डाला तो स्टीम का मतलब क्या है, भाप, गर्म पानी, समझ रहे हो, बहुत ज़्यादा अगर इससे जल जाइए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है, बिकॉज इसका जो लेटेंट हीट होता है बहुत हाई होता है ना, जानते हो ना आप, वाटर से जलना, भाप से जलना बहुत ही कष्टदायी है, आग से जलने की अपेक्षा, आग से जलना ठीक है लेकिन भाप से जलना बहुत खतरनाक है। ठीक, तो ये गर्म पानी डाला तो फैलने लगा, किसी के ऊपर डाल दीजिए गर्म पानी, ठंडा पानी डालो फैल जाता है, आदमी बोलता है ऐसी की तैसी क्या कर दिए,
तो गर्म पानी डाला तो फैलने लगा। फैलने को थोड़ा सा आप करिए तो दो चीजें इसमें समझ में आती है, जैसे यफी है और लेन प्रोसेस है, तो इसको अगर आप मिक्सअप करिए तो लगता है फैलने, समझ रहे आप, फैलने, समझ रहे हैं, फैलेंस प्रोसेस। तो फैलने लगा, इससे क्या है बेटा, हमको याद ध्यान ये रखना है लॉन्ग टाइम तक कि किसमें कौन सा मेटल यूज होता है। ये पूछते हैं कि लेन प्रोसेस में कौन सा मेटल यूज होगा, बॉस प्रोसेस में कौन सा मेटल यूज होता है, तो हमें याद रखना पड़ेगा, कोई ट्रिक लगानी पड़ेगी। तो हमने जो ट्रिक लगाया है, ये गर्म पानी डाला तो फैलने लगा, फैलने का मतलब हो गया आयरन भी है, लेन प्रोसेस भी है, ठीक है, तो इसलिए फैलने लगा। ये मैंने इस तरीके से इसको याद रखा हुआ है, इसको आप ध्यान रखिए। यही प्रोसेस है हाइड्रोजन की प्रिपरेशन, यहाँ पे 3Fe4H2 कर लीजिए, बैलेंस भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये था फर्स्ट प्रोसेस, लेन प्रोसेस, योनोज मेथड, ठीक है, योनोज मेथड है नेक्स्ट आपका। आइए देखते हैं क्या क्या इसमें यूज होता, कैसे हम प्रिपेयर करेंगे हाइड्रोजन को, ठीक है। ये देखिए बेटा है क्या योनोज मेथड। अच्छा, योनोज में अगर एल्यूमिनियम लिखिए आप, एल्यूमिनियम मेटल यूज, स्क्रैप एल्यूमिनियम है, स्क्रैप का मतलब होता है रद्दी, जो टुकड़ा कटिंग पटिंग वाला टुकड़ा होता है उस एल्यूमिनियम को लेना है, समझ रहे हैं आप, उस पर KOH सोल्यूशन डालिए, हाइड्रोजन गैस प्योर मिलेगी आपको, यही है योनोज मेथड। और याद भी रहेगा क्योंकि एल्यूमिनियम में ही यू है, देखिए आप AlU, MiNiU, ऐसे लिखते हैं ना आप, तो AlU आ गया कि नहीं आ गया, तो एल्यूमिनियम योनोज प्रोसेस, यानी योनोज प्रोसेस में एल्यूमिनियम मेटल का यूज होता है, उसके ऊपर हम KOH बेसिक सोल्यूशन डालते हैं और हाइड्रोजन गैस निकलती है, यही है योनोज। एल्यूमिनियम KOH वाटर ये डाला बन गया, देखिए यहाँ पे पोटेशियम, इसका नाम क्या होगा, पोटेशियम एल्यूमिनेट, मेटा एल्यूमिनेट, सॉरी मेटा एल्यूमिनेट, पोटेशियम मेटा एल्यूमिनेट। अभी आपको मैंने बताया था कि जब ये बेस होगा, एम्फोटेरिक मेटल होगा और उसके ऊपर बेस एल्कली डालिए वाटर के साथ, तो मेटा एल्यूमिनेट मिलता है। अगर वाटर के अब्सेंस में कराइए तो फिर यहाँ बनता है एल्यूमिनेट, ठीक है। सोडियम का मैंने बताया था, यहाँ पोटेशियम यूज हुआ है, बस इतना चेंज है। तो कहीं ना कहीं ये रिपीट नहीं हो रहा है, रिपीट हो रहा है, अगर थोड़ा सा अलर्ट है आपको समझ जाएंगे। तो हो गया योनोज, लेन प्रोसेस हो गया। तीसरा बॉस पे आते हैं, रेड हार्ट कोक पे स्टीम डालिए, रेड हार्ट कोक पे जब स्टीम पड़ेगी तो वाटर गैस बनेगा, वाटर गैस एक अलग प्रकार का गैस है, और उसके ऊपर स्टीम डालोगे वाटर गैस के ऊपर तो हाइड्रोजन गैस मिलेगी, इसको बोलते हैं बॉस प्रोसेस, ठीक है। ये तो मैंने बता दिया इसका स्ट्रक्चर क्या है, अब ये रिएक्शन कैसे हो रही है थोड़ा केमिकली हम सब बात करते हैं, ठीक है। देखो बेटा बॉस प्रोसेस, रेड हार्ट कोक स्टीम वाटर गैस, इसको तो बता ही दिया था मैंने, रिएक्शन भी मैंने कराया, रेड हार्ट कोक लिया, स्टीम डाला 1100 डिग्री सेल्सियस, वाटर गैस बन गया, CO+H2 के मिक्सचर को वाटर गैस बोलते हैं। फिर सेकंड स्टेप में वाटर गैस पे फिर स्टीम डाला, क्योंकि आप देखो वाटर गैस पे फिर स्टीम, तो जब वाटर गैस पे स्टीम डालते हैं तो यहाँ से देखो आप, ये समझ रहे हो, ये वाला हाइड्रोजन जैसे निकल आता है, तो ये O जाके इससे जुड़ गया, CO2+2H2 बन गया, ठीक है। या फिर यहाँ पे Fe2O3 Cr2O3 कैटलिस्ट होते हैं, इतना टेम्परेचर रखाते हैं 500 से 750, ये बन गया। अब इसमें से किसी तरीके से आप कार्बन डाइऑक्साइड हटा दीजिए, यहाँ पे थोड़ी सी अमाउंट कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनती है, तो इसको जब हटाएंगे CO2 को तब जाके आपको हाइड्रोजन मिलता है। तो इसके प्रोसीजर के लिए, हटाने के लिए हम इसको पास कर देते हैं 25 ATM प्रेशर पे वाटर में, क्योंकि CO2 वाटर में डिजॉल्व है एट हाई प्रेशर, समझ रहे हो आप। इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल है कोल्ड ड्रिंक, जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स आती है उसमें CO2 घुली हुई होती है हाई प्रेशर पे कंपनी पे, समझ रहे हैं आपको, जो आप बोतल खोलिए तो गैस निकलती है। तो CO2 गैस को वाटर में 25 ATM पे डिजॉल्व कर दिया, सारी CO2 घुल गई, अब बचा हाइड्रोजन गैस। अगर थोड़ा बहुत लिटिल अमाउंट में CO है वो भी प्रॉब्लम करेगा, तो ये मैंने CO लिख दिया, दिखाया नहीं था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे लिख लिया है। अब वो CO को आप अमोनिकल Q+ क्लोराइड में पास कर दीजिए तो हाइड्रोजन गैस मिल रहा है, क्योंकि अमोनिकल Q+ क्लोराइड बेटा CO कार्बन मोनोऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो दोनों चीजें के लिए मैंने उपाय कर दिया है, CO2 के लिए भी और CO के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड, और इसके थ्रू अगर आप गुजारेंगे तो आपको लास्ट में जो है प्योर हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी, ठीक। तो ये प्रिपरेशन को हम बोलते हैं बॉस प्रोसेस। अच्छा, इसमें वाटर गैस बनाते हैं, फिर वाटर गैस से शिफ्ट होती चली जाती है वो, तो इसको बोलते हैं वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन, समझ रहे हैं आप। ये जो रिएक्शन हुई है ये वाली,
इस रिएक्शन को हम सब बोलते हैं वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन, वाटर गैस, ठीक, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन बोलते हैं इसको हम सब। तो ये तीन थे जो इंडस्ट्रियल में है, तो और अभी, लेकिन तीन थे जो बाई लेन थे, समझ रहे हैं आप, लेन प्रोसेस, यूनोज प्रोसेस और बोस प्रोसेस। आइए ये हाइड्रोकार्बन से, ये भी सब जाएंगे किसमें, इंडस्ट्रियल में। तो हाइड्रोकार्बन से बना रहे हैं, तो हाइड्रोकार्बन से बनाना है तो हाइड्रोकार्बन पे डालिए स्टीम, स्टीम डालोगे हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी। हाइड्रोकार्बन में सबसे छोटा हाइड्रोकार्बन है बेटा मीथेन, मीथेन से जब स्टीम पड़ती है निकिल क्रोमियम प्रेजेंस में या फिर Fe2O3 कोबाल्ट ऑक्साइड के प्रेजेंस में 500 डिग्री सेल्सियस पे, तो आपको मिल जाता है बेटा क्या, हाइड्रोजन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड H2 प्लस CO, ठीक। तो ये बन जाता है H2 प्लस CO कार्बन मोनोऑक्साइड। आइए बेटा देखिए, बाय द हेल्प ऑफ एल्केन मेटल एंड कंपाउंड पजेजेज एक्टिव हाइड्रोजन, पजेजेज मींस हैविंग एक्टिव हाइड्रोजन, जिस कंपाउंड के पास एक्टिव हाइड्रोजन होगा उससे भी आप हाइड्रोजन गैस प्रिपेयर कर सकते हो एल्कली मेटल के हेल्प से। किसके पास एक्टिव हाइड्रोजन होगा, मेनली एक्टिव हाइड्रोजन की बात होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको पढ़ाया गया होगा कि कौन कौन से हैं जहाँ पे हाइड्रोजन अटैच है वो एक्टिव है, ठीक है। सारे हाइड्रोजन एक्टिव नहीं होते हैं, कुछ ही हाइड्रोजन होते हैं जो एक्टिव होते हैं, मैं बता देता हूँ आपको। जैसे ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से लगा हुआ हाइड्रोजन एक्टिव होगा, ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से, सल्फर से लगा हुआ हाइड्रोजन एक्टिव होगा, ठीक है। कहीं भी O से H लगा हो, कहीं सल्फर से H लगा हो, कहीं नाइट्रोजन से H लगा हो, जैसे NH2, NH, NH3, ठीक है, OH है, H2O है, ये सब के हाइड्रोजन आपके H2S है सल्फर से लगा हुआ हाइड्रोजन, और ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन से लगा हुआ डबली और सिंगल बॉन्डेड से लगा हुआ मीथेन में कोई नहीं है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 में कोई नहीं है। तो कहीं भी सिंगली बॉन्डेड डबली बॉन्डेड हो कार्बन तो उससे लगा हुआ हाइड्रोजन कभी भी एक्टिव हाइड्रोजन नहीं मानते, ठीक है। तो ये इसको हम याद रख लेते हैं, और इसका एक फार्मूला मैंने बना लिया है और वो है कोनस, देखिए आप ये हो जाएगा को नस, ये देखो आप कोनस हो जाएगा CONS कोनस, और हाइड्रोजन से है और इससे हो जाएगा ना, ठीक है, कोनस है ना, ये बना लिया हमने कोनस है ना, तो कोनस है ना, फिर ये हो गया हाइड्रोजन सोडियम, ये हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है बाहर और सोडियम जाके इससे लग जाता है, तो हाइड्रोजन ये देखिए आपको गैस के फॉर्म में निकल गया, सोडियम इससे लग गया कोनस से, ठीक है। तो ये एक्टिव हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी है, एक्टिव हाइड्रोजन कहीं भी होगा तो एल्कली मेटल के साथ रिएक्शन करके आपको हाइड्रोजन गैस दे देगा, तो उसी के बिहाव पे ये रिएक्शन दिखाई गई है। एक दो रिएक्शन हम सब करके देखते हैं, आइए अब देखिए, लगभग सारे पॉसिबल मैंने करा दिए हैं, ठीक है। ROH है एल्कोहल होता है, एल्कोहल में जो H है वो एक्टिव बिकॉज ऑक्सीजन से अटैच है, सोडियम रिप्लेस कर देगा हाइड्रोजन गैस, RONA बन जाएगी, नाम हो जाएगा सोडियम एल्कोक्साइड, ठीक है। HOH यानी वाटर में भी दो एक्टिव H है, अगर दो मोल NH से कराओगे तो दोनों हट जाएंगे, Na2O निकलेगा, लेकिन अगर एक मोल से कराओगे तो एक रिप्लेसबल होगा और HONA यानी NaOH हो जाएगा, ठीक है। ये है एसिटाइलिन CH2 नहीं है, CH है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, दोनों H क्या है, कार्बन ट्रिपली वाले से अटैच है, तो दोनों एक्टिव हैं, दो मोल से कराए, एक से कराते तो एक ही जाता, दो मोल से कराए तो दोनों H रिप्लेस हो गए, बन गया सोडियम एसिटिलाइड इसका नाम है, और ये हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई, इसका नाम बेटा ध्यान रखना है हमको सोडियम एसिटिलाइड, ठीक है, ये सब ध्यान करते चलना, नाम आना बहुत जरूरी है, लैंग्वेज फॉर्म में आ गया तो फार्मूला हम लिख नहीं पाएंगे। नेक्स्ट लास्ट जो है, जैसे नाइट्रोजन से रिलेटेड जो भी अटैच हाइड्रोजन होता है दैट आल्सो एक्टिव हाइड्रोजन, तो इससे भी करा दोगे आप तो एक एच रिप्लेस हो गया, अगर एक मोल सोडियम लोगे आप तो हाइड्रोजन गैस प्लस NaNH2 सोडामाइड या सोडियम एमाइड, ठीक है। तो इस तरीके से नाइट्रोजन से, कार्बन से, ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन से, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, इनसे अटैच जो होते हैं हाइड्रोजन वो एक्टिव हाइड्रोजन होते हैं, और उनसे एल्कली मेटल की रिएक्शन अगर आप कराते हैं तो आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगा, ठीक। तो ये सारी प्रॉपर्टी बेटा फिनिश हो गई, जो हमको बनाना था वो हमने बना लिया है, हाइड्रोजन का प्रिपरेशन खत्म है, ठीक है। बाई फोर मेथड था या वो आपको करा दिया, वाटर से, एसिड से, एल्कली से और इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, सारे फिनिश। अब प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे, प्रॉपर्टीज बेटा, ठीक है, एक एक करके हम लिखते चलते हैं और फिर आपको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। आइए बेटा देख लेते हैं 5 प्रॉपर्टीज पहले 1x1 फटाफट।
देखो बेटा, पहला फिजिकल प्रॉपर्टी, ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी है कि ये कलरलेस होता है, ओडरलेस होता है, टेस्टलेस गैस है। ठीक है, कलरलेस, ओडरलेस, ओडर का मतलब कोई स्मेल नहीं आती है। ठीक है, टेस्ट करने पर कोई टेस्ट नहीं आएगा, स्मेल कोई नहीं आएगी, कलरलेस होता है। जनरली एग्जिस्ट इन डाई एटॉमिक गैसियस फॉर्म H2। ठीक है, तीसरा, इन नॉर्मल कंडीशन हाइड्रोजन बिहेव एज ए नॉन मेटल। नॉन मेटल होता है, लेकिन जब हाई प्रेशर हो, बट एट हाई, वेरी हाई प्रेशर, इट एक्ट एज ए मेटल। ठीक, कहीं भी प्रेशर हो जाए तो चेंज करना पड़ता है। बोलते नहीं बहुत प्रेशर है यार, बहुत प्रेशर, ऊपर से बहुत हाई प्रेशर है, एग्जाम का प्रेशर है, कोई भी प्रेशर हो तो आदमी दब जाता है। ठीक, तो वैसे ही नॉन मेटल थे ये नॉर्मली, लेकिन वेरी हाई प्रेशर पे इनकी पूरी प्रॉपर्टी बदल गई, नॉन मेटल से मेटल हो गए। ठीक, फोर पे, इन सॉल्युबल आर स्ट्रॉन्गली सॉल्युबल इन वाटर, इन सॉल्युबल आर स्ट्रॉन्गली सॉल्युबल इन वाटर। फिफ्थ है, हाईली इनफ्लेमेबल गैस एंड बर्न विद ब्लू फ्लेम। हाईली इनफ्लेमेबल बहुत ही ज्वलनशील गैस है, ब्लू फ्लेम नीली ज्वाला के साथ जलता है। दो गैस और हैं जो नीली ज्वाला ब्लू फ्लेम के साथ जलती हैं, वो है वाटर गैस और कार्बन मोनोऑक्साइड। वाटर गैस अलग बात कर रहा हूँ, कार्बन मोनोऑक्साइड CO की बात अलग कर रहा हूँ। CO अलग, वाटर गैस अलग, हाइड्रोजन अलग, ये तीन गैस हैं जो ब्लू फ्लेम के साथ जलती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी मेंशन कर दिया है, इसको याद रखना है आपको। लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टी थी बेटा, देखिए ये BDE जो लिखा हुआ है, इसका मतलब है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। क्या है? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। जितने भी एलिमेंट हैं, जितने भी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, उनमें जो सिंगल बॉन्डिंग है उनकी बात हो रही है। सारे डबल बॉन्डिंग, ट्रिपल बॉन्डिंग की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, केवल और केवल सिंगल बॉन्डिंग की बात हो रही है। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ सिंगल बॉन्डेड HH, सिंगल बॉन्डेड, इज हाईएस्ट इन कंपैरिजन टू एनी अदर सिंगल बॉन्डेड एलिमेंट। ठीक है, एनी अदर सिंगल बॉन्डेड एलिमेंट। ड्यू टू दिस रीजन हाइड्रोजन इज द वेरी इनर्ट गैस। बहुत हाई है अमाउंट इसका, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का अमाउंट, बॉन्ड बहुत मजबूत होता है, तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए ज्यादा होती है, जिसको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोलते हैं। इसलिए ये इनर्ट होता है एंड इट सोल्स देयर केमिकल रिएक्शन जनरली एट वेरी हाई टेम्परेचर। तो यही रीजन है जिससे हाइड्रोजन की रिएक्शन किसी की भी साथ होती है तो नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं हो पाती बेटा, हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन होती है। बिकॉज जब तक हाइड्रोजन का ये सिंगल बॉन्ड टूटेगा नहीं, तब तक रिएक्शन होगी नहीं, और इस सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो इसलिए ये पॉइंट हो गया लास्ट आपका, और इसके बाद हम सब करेंगे केमिकल रिएक्शन। ठीक, केमिकल रिएक्शन नेक्स्ट क्लास में करेंगे बेटा हम सब, और अभी यहीं पे हमको रोकना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो होगी हमारी वीडियो, उसमें हम पूरा आपको डाल के दिखाएंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या क्या है, तो पिक्चर डालेंगे। ठीक है, थैंक यू बेटा।